जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद श्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो हेड हमारा चल रहा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी। इससे रिलेटेड मैंने जो वीडियो आपको पिछले दिए हुए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उस पर जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारे चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप वहां पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 21-22 की प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे जो मैंने इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। एकदम बेसिक हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स से लेकर के सारे वीडियो यहाँ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है प्रोविडेंट फंड। क्या होता है ये प्रोविडेंट फंड और कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी में इसको जोड़ा जाता है, आज हम लोग इसको बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम लोग भैया स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग जो जानेंगे वो है प्रोविडेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्य निधि। भविष्य निधि क्या होती है? भविष्य निधि, जैसे आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति रिटायर होता है, रिटायरमेंट जब उसका होता है तो उसको 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपया फंड का मिला। ये कैसे मिल जाता है फंड का पैसा? कैसे गवर्नमेंट इंतजार करती रहती है मेरे सारे एम्प्लॉय जब एक एक करके रिटायर होंगे तो हम उनको एकदम अपने पास से सबको 70, 70, 80, 80 लाख रुपए देंगे? कभी सोचा है आपने कितना एम्प्लॉय पर ईयर रिटायरमेंट लेता है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से? अगर इतना पैसा दिया जाता इस तरीके से कि जब कोई रिटायरमेंट लेगा तब हम उसको पेमेंट कर देंगे तो कैसे ये पूरा होता पैसा? कैसे अनुमान लगाती सरकार और कैसे अनुमान लगाते प्राइवेट सेक्टर? तो भैया क्या किया जाता है, जैसे ही कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट में आता है, जैसे ही कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट में आता है तुरंत उसकी सैलरी, जब पहली सैलरी उसको दी जाती है तुरंत वहीं से क्या किया जाता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का सैलरी है 80,000 रुपया पर मंथ, अब इसके सैलरी का 10% डिडक्शन करने लगा एम्प्लॉयर, 10% इसकी सैलरी का कितना हुआ 8,000 रुपया महीने का, 12 से मल्टीप्लाई दे दीजिए कितना हुआ 96,000 रुपया, ठीक है ना, 96,000 रुपया इसकी सैलरी से ही डिडक्ट कर लिया किसने, एम्प्लॉयर ने, और इतना ही पैसा अपने पास से तुरंत इसके खाते में डालने लगा, ये कितना हो गया 96,000 रुपया, दोनों का टोटल करें कितना हो गया 9,9, 6,6, 12, 9,9, 18, 1,19, 1,92,000 रुपया पर ईयर। अब मान लो ये 30 वर्ष सेवा कर गया, कितना वर्ष सेवा कर गया 30 वर्ष सेवा कर गया, अब बताओ ये कितना पैसा होगा, 4 0 ऐसे ही लगा दिए, 3 2 6, 3 9 27 और 3 1 3 और 2 5 कितना हो गया 57,60,000 रुपया हो गया, प्लस इस पर कुछ ब्याज भी बन गया होगा, बोनस इस पर कितना बन गया होगा, इस पर बोनस मान लो 10 लाख रुपया बन गया होगा, कितना हो गया ये भैया, तो ये हो गया है 67,60,000 रुपया। अब जब कोई भी एम्प्लॉई, ये वाला एम्प्लॉई जब रिटायरमेंट लेगा तब इसके अपने खाते में कितना पैसा जमा है 67,60,000 रुपया जमा है। ये इसकी जो कमाई है ये कब की है, इसके युवा अवस्था की है, जब इसने कमाना स्टार्ट किया था, और इसको मिल कब रहा है, इसके बुढ़ापे में मिल रहा है। इसने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जिस निधि का निर्माण किया गया है भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जिस निधि का निर्माण किया गया है उसी को कहा जाता है भविष्य निधि। ये देखो एक फंड बन के तैयार हो गया है, यह एक फंड बन करके तैयार हो गया, जब इनका रिटायरमेंट होगा तो ये इनको मिल जाएगा 67,60,000 रुपया। बात समझे, इस तरीके से मिलता है जब कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेता है उसको, इस तरीके से उसका फंड मिलता है, जिस तरीके की डिडक्शन होती है उसी तरीके का उसे पैसा मिलता है। तो ये होता है भैया जिसको हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड। इसको क्या कहेंगे, प्रोविडेंट फंड कहेंगे। अब आज हम लोग को जो बात करनी है वो इसी पर करनी है कि कैसे टैक्सेबल हो ये पैसा। ये मिलेगा तो जरूर इनको, इनकम टैक्स वाले तो हर जगह नजर लगाए बैठे हैं, अच्छा मिला लाओ टैक्स लगाना है, तो कैसे वो टैक्स लगाएंगे हमको तो ये बताना है, तो चलिए बताते हैं।
देखिए भैया, सबसे पहले जब हम लोग प्रोविडेंट फंड की बात करें तो ये जान लें कि कितने तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं। तो प्रोविडेंट फंड भैया चार तरीके के होते हैं। नंबर एक पर बात करेंगे स्टैच्यूरी प्रोविडेंट फंड, नंबर दो पर बात करें तो कहेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, नंबर तीन पर बात करें, यहां गैप छोड़ दिया थोड़ा, यहां पे लिखना होगा हमको, तो उसको कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नंबर चार पर बात करें तो उसको कहेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड। होते और भी हैं लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकम फ्रॉम सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इतने ही चाहिए। तो ये चार तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं। अब बात आती है इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, बता रहे हैं आपको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। वैधानिक भविष्य निधि, इसको क्या कहते हैं, वैधानिक भविष्य निधि, ऐसी भविष्य निधि जिसके लिए पहले ही विधान अर्थात संविधान में जिसके लिए पहले से चीजें वर्णित हैं। भैया गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी इंप्लॉय जाएगा, ये गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज को मिलती हैं, जैसे रेलवे में मिलेंगी, रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके एम्प्लॉयज को मिलेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर के सभी एम्प्लॉयज को ये वाला प्रोविडेंट फंड मिलता है, इसको क्या कहते हैं, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अर्थात गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को फंड देगी ही देगी, कोई रोक ही नहीं सकता है, देगी, हमेशा देगी। इसी तरीके से तो स्ट्रेचरी प्रोविडेंट फंड अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट पर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट पर वैधानिक भविष्य निधि का कोई पैसा मिलता है, ये एकदम एग्जेम्प्ट होता है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, कैलकुलेशन नहीं, बात खत्म। जिसका कैलकुलेशन नहीं करना मतलब गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम्हारे रिटायरमेंट पर जो मैं तुमको पेमेंट एक साथ करूंगा उसका पैसा मैं तुमसे नहीं लूंगा, एक भी पैसा टैक्स का नहीं लूंगा। यार वो टैक्स अथॉरिटी है, छोड़ सकती है ये बात, केवल गवर्नमेंट ही बोल सकती है और कोई नहीं बोल सकता कि हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे, कोई कर ही नहीं सकता, अथॉरिटी जो है वही तो कर सकती है। वो कहती है हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे, जाओ घूमो मौज करो। तो ये एग्जेम्प्ट होता है अगर स्ट्रेचरी प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल रहा है तो। अच्छा बात करते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो अगर स्ट्रेचरी नहीं है तो रिकॉग्नाइज क्या होता है, देखो हर व्यक्ति की किस्मत इतनी बढ़िया थोड़ी होगी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाए, और किस्मत ही नहीं है, दुर्भाग्य भी कभी कभी होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जितनी सैलरी मिल सकती है गवर्नमेंट सेक्टर में कभी मिल नहीं सकती। वह बात अलग है कि वर्कलोड दोनों का अलग अलग होता है। खैर दोनों ही सेक्टर अपनी जगह पर अच्छे होते हैं, काम करने वाले लोगों के लिए हर एक सेक्टर अच्छा होता है और काम चोरों के लिए हर एक सेक्टर खराब होता है। तो चलिए देखते हैं भैया कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकता, तो क्या किसी व्यक्ति कोई ऐसा भी है जिसको बुढ़ापा नहीं आएगा, सबको आएगा। कोई ऐसा भी है जिसका भविष्य खतरे में नहीं है, अर्थात भैया जब बुढ़ापा बढ़ रहा होता है मतलब जब उम्र ढल रही होती है तो पैसे की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है। क्यों सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, जो बेटे बेटी हो चुके होंगे उस समय तुम्हारे, वो भी इंतजार नयन लगाए बैठे होंगे कब बाबा का रिटायरमेंट हो, बाबा तक पहुँच गए होंगे आप रिटायरमेंट के टाइम। लड़के भी नज़र लगाए बैठे होंगे कि कब पापा का रिटायरमेंट होगा तो हम अपनी शौक पूरी करेंगे, ठीक है। आपका भी स्वास्थ्य बीपी वगैरह तो हो ही चुका होगा, एक हो सकता है एक आधा हार्ट अटैक भी पड़ चुका हो, तो दवाइयां भी खूब कस के खा ही रहे होंगे ज़्यादातर लोग। तो पैसे की जरूरत तो हर व्यक्ति को है, उम्र बढ़ने के साथ साथ पैसे की जरूरत बढ़ती है। युवावस्था में तो हाथ पाँव चल रहे थे, थोड़ा पैसा कम भी आता तो काम चल जाता, बुढ़ापे में तो हाथ पर चलेंगे नहीं, वो पैसे की जरूरत और बढ़ेगी। तो क्या हो भाई, इनके भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए? तो अगर इनकम टैक्स कमिश्नर जिन संस्थाओं को अप्रूव्ड कर देता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड कराएंगे, उसको क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रमाणित भविष्य निधि। इनकम टैक्स कमिश्नर अर्थात इनकम टैक्स अथॉरिटी जब इस बात को प्रमाणित कर देती है कि भैया आपको अपने एम्प्लॉयज को ये प्रोविडेंट फंड देना ही होगा, तो उस प्रोविडेंट फंड को क्या कहा जाता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, प्रमाणित भविष्य निधि कहा जाता है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एग्जेम्प्ट कितना होगा, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा आप, फर्स्ट ए पॉइंट है कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज प्रूडेंट फंड अप टू 12%। रिकॉग्नाइज प्रूडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहां तक एग्जेम्प्ट होता है? 12% तक ऑफ सैलरी। सैलरी के 12% तक का अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है तो वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट होगा। अगर रिकॉग्नाइज प्रूडेंट फंड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की सैलरी का 12% तक कंट्रीब्यूट करता है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, इसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। बात खत्म हो गई, इसके ऊपर क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस ऑफ आरपीएफ। अरे कुछ पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा भी तो होगा, देखो 192,000 रुपए पर ईयर हमारे अकाउंट में सेविंग हो जाती है, तो इस पर ब्याज भी तो मिलेगा हमको। ये 10 लाख कहां से आए हैं? ब्याज के ही तो आए हैं। तो ब्याज कितना एग्जेम्प्ट होगा? ब्याज कितना एग्जेम्प्ट होगा भैया? तो ब्याज जो है ये 9.5% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होगा। जो आरपीएफ में बैलेंस पड़ा है उस पर जो ब्याज दिया गया है वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होगा और उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ लीजिएगा। अभी इस पर जब हम लोग थोड़ा और बात करेंगे, देखो यहां पर मैंने कहा है सैलरी 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 सैलरी, सैलरी का मतलब क्या होगा? तो पहले यहां पर मीनिंग ऑफ सैलरी भी समझ लीजिए। मीनिंग ऑफ सैलरी, जो लोग पिछले वीडियो या हमारे लगातार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, इनकी मीनिंग ऑफ सैलरी और एचआरए की मीनिंग ऑफ सैलरी एक ही होती है। मैंने कहा था एचआरए पढ़ाते समय कि इसकी सैलरी याद रखना बहुत जगह काम आएगी, दूसरी जगह काम आ रही है। इसकी मीनिंग ऑफ सैलरी और एचआरए की मीनिंग ऑफ सैलरी एक ही होती है। और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता रहा हूं आपको, इसकी मीनिंग ऑफ सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस डीए कैसा अंडर सर्विस कंडीशन प्लस फिक्स्ड रेट कमीशन ऑन सेल्स, ये 3 पॉइंट ऐड किए जाते हैं जब हम लोग बात करते हैं किसकी भैया? रिकॉग्नाइज प्रूडेंट फंड की। क्वेश्चन में हमें इसी का कैलकुलेशन करना होता है और किसी का कैलकुलेशन करना ही नहीं होता है। देखो हमारा स्टेचरी प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट हो गया, रिकॉग्नाइज हम पढ़ रहे हैं, बाकी को हम अभी आगे पढ़ेंगे चल के। अब यहां पर एक चीज और समझो, ये वाला जो वैल्यू दिया है 9.5 वाला, ये बहुत कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में, बहुत कंफ्यूज करेगा। तो कैसे ध्यान देंगे? अगर क्वेश्चन में लिखा है, लिख के ध्यान दो, ऐसे इन बातों पर ध्यान देना। आपको मैंने वादा किया था ना 10 वीडियो के अंदर खत्म करूंगा, 10 वीडियो के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी खत्म कर दूंगा, इसके बाद कुछ पढ़ने को नहीं रखूंगा। उसके बाद सीधा क्वेश्चन उठाना और पढ़ना, देखना सारे पॉइंट आपको पढ़े हुए मिलेंगे अगर लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हो तो। देखिए क्या करेंगे भैया इस वाले इंटरेस्ट रेट का, कभी कभी क्वेश्चन में लिख के आएगा इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एट द रेट 9.5% इक्वल टू 30,000। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है? 9.5%। इसका मतलब है 9.5% की दर से यह ब्याज जमा है। चेक ही मत करना, ऐसी कंडीशन में हम चेक ही नहीं करेंगे, इसको मान लेंगे बस ये एग्जेम्प्ट है। जब कभी ये लिखकर आ जाए कि 9.5% की दर पर इतना ब्याज जमा है, चेक मत करना, छोड़ देना, बिल्कुल नहीं चेक करेंगे, भले ही वो इससे कम निकल रहा हो या ज्यादा निकल रहा हो, बात खत्म। अच्छा कभी लिख के आएगा इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एट द रेट 12%, कितना? 24,000 रुपया। क्या लिखा है यहां? देखो क्या लिखा है, 12%। एग्जेम्प्ट लिमिट क्या है? 9.5%। अब 12% और 9.5% के बीच का गैप क्या है? 2.5%। तो इसका टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? टैक्सेबल अमाउंट इसका कैसे निकालेंगे? यहां देखो 24,000 गुड़े 2.5 बटे 12। क्यों? 12% की रेट पर तो इतना जमा है, 12 से इसको काट दो कितना आ जाएगा? 2000 को इससे मल्टीप्लाई दे दो, 2 दूना 4 और इसका आधा 5, मतलब हो गया
5,000, टैक्सेबल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 5,000। तो जब कभी इस तरीके से रेट पर इसको दे दिया जाएगा तो मैं यहीं तुरंत चेक कर लूंगा, ऐसे ऐसे निकालूंगा इसको। अच्छा, जब कभी ये लिख के आएगा इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 20,000, कुछ और नहीं लिखा, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 20,000, तब चलेंगे इन तीन को जोड़ करके सैलरी बनाएंगे, उस सैलरी का 9.5% निकालेंगे और देखेंगे। मान लो 9.5% निकल के आया 18,000, तो इसका मतलब 18,000 एग्जेम्प्ट और 2,000 टैक्सेबल। अब मान लो निकल के आ गया 21,000, इसका मतलब 20,000 एग्जेम्प्ट। तो ये तीन कंडीशन होंगी, तीन तरीके से क्वेश्चन घुमाएगा। ये पॉइंट बहुत गलत होता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते एकदम करना क्या है। मैं बता रहा हूं इन तीन पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ऐसे ही कैलकुलेट करना। ये 12% वाला कैलकुलेशन आसान है, आराम से कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। 9.5 वाला बहुत कंफ्यूज करता है, तीन तरीके से पूछता है ना, तो ऐसे करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। ऑल आउट क्या हो, इधर आओ। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल जाएगा स्ट्रेचरी प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स कमिश्नर ने अप्रूव्ड कर दिया है संस्था को तो उसको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मिल जाएगा। तो क्या बाकी लोगों को बुढ़ापा नहीं आएगा, उनको भी आएगा, तो वो कैसे भविष्य निधि बना सकते हैं अपनी, काम रोजगार में हैं, जॉब करते हैं, तो उनका एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं अपने एम्प्लॉय के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसकी सैलरी का कुछ काटूं और कुछ मैं खुद कंट्रीब्यूट करूं, कुछ काटूं और खुद कुछ कंट्रीब्यूट कर दूं, ऐसा करके जब वो रिटायरमेंट ले तो उसको कुछ मैं पेमेंट कर दूं। बस जहां पर केवल एम्प्लॉयर अपनी तरफ से ये पेमेंट कर रहा है, देखो गवर्नमेंट करती है स्ट्रेचरी हो जाती है, इनकम टैक्स कमिश्नर करवाता है तो रिकॉग्नाइज हो जाता है, और खुद एम्प्लॉयर करता है, कोई नहीं करवा रहा है, तो क्या हो जाता है, अनरिकॉग्नाइज, कोई करवा नहीं रहा है, कोई प्रमाणित नहीं किया है, वो अपनी तरफ से दे रहा है तो अनरिकॉग्नाइज। इसका कैलकुलेशन यहां नहीं करते, ध्यान रहे। इसका पैसा जब प्राप्त होता है रिटायरमेंट पर, इसका पैसा प्राप्त होता है कहां मिलेगा, रिटायरमेंट पर इसका पैसा प्राप्त होगा, जब मिलेगा तो 50% टैक्सेबल हो जाएगा, 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड विल बी टैक्सेबल इन एब्सेंस ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन, किसी स्पष्ट सूचना के अभाव में ऐसा होगा। स्पष्ट सूचना भैया, जब कुछ नहीं दिया जाता तो यह माना जाता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेम है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हर जगह एग्जेम्प्ट रहता है, वो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कहीं पर भी हो एग्जेम्प्ट ही होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है। तो ये जब कुछ नहीं दिया जाता तो यह माना जाता है कि 50-50% दोनों ने यहां पर कंट्रीब्यूट किया होगा, तो जितना पैसा हमको मिल रहा है उसमें से आधा एम्प्लॉय का है और आधा एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉय वाला एग्जेम्प्ट और एम्प्लॉयर वाला टैक्सेबल, जब कुछ नहीं कहा गया होगा तब। अगर कहा गया है कि 60% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो अमाउंट रिसीव्ड जो हुआ है इसका 60% टैक्सेबल हो जाएगा, 40% एम्प्लॉयर ने दिया है 60% एम्प्लॉय ने किया है तो 40% टैक्सेबल हो जाएगा, अर्थात एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, लेकिन जहां कुछ नहीं कहा जाता वहां पर ये 50-50 हो जाता है, अर्थात ये माना जाता है आधा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है और आधा है एम्प्लॉय का, इसी के आधार पर टैक्स लगा दिया जाता है। बात क्लियर है, लौट आओ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मान लो कोई कर्मचारी नौकरी करता, कोई व्यक्ति नौकरी करने नहीं चाहता तो क्या उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, फिर यार बात वही आती है कि बुढ़ापा तो उसको भी आएगा, फिर क्या करे, अब वो क्या करे, तो वो भी कर सकता है भविष्य के लिए डिपॉजिट कर सकता है। कहाँ डिपॉजिट करे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से एक अकाउंट, पीपीएफ के नाम से एक अकाउंट खोल ले और वहां पर कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दे। कितना कंट्रीब्यूशन करे तो टैक्स नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा, अप टू 1,50,000, मतलब 1,50,000 रुपया, ठीक ना, पर ईयर एग्जेम्प्ट होंगे। किस सेक्शन में ये एग्जेम्प्ट होंगे, ठीक ना, तो अंडर सेक्शन 80C में इसका डिडक्शन मिलेगा। कितना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी व्यक्ति 1,50,000 रुपया पर ईयर तक अगर कंट्रीब्यूट करता है, डिपॉजिट करता है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। किस सेक्शन में, 80C में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एंड अबव अमाउंट एंड
अबव अमाउंट टैक्सेबल पर ईयर। मान लो कोई व्यक्ति 2 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करता है पीपीएफ में, तो यहां से 1.5 लाख रुपया टीसी की वो डिडक्शन ले ले और 50,000 रुपया पर ईयर टैक्सेबल हो जाएंगे। बस ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो भैया ये 4 प्रोविडेंट फंड होते हैं। क्वेश्चन में जब हम लोग इसको करने निकलेंगे तो सबसे ज्यादा हमको मिलेगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर भी हमारे लिए ये जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है हमारे लिए। तो उम्मीद है प्रोविडेंट फंड आप भली भांति समझ गए होंगे। 2-3 पॉइंट और आपके साथ डिस्कशन करना है, सुन लीजिए बहुत आराम से। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कैश में गिफ्ट देता है, टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होता है उसके ऊपर, फुल्ली टैक्सेबल होता है। कोई एम्प्लॉयर होली, दीपावली, ईद, बकरीद, इस तरीके की किसी भी त्यौहार पर अपने एम्प्लॉयर को कैश, एम्प्लॉई को कैश पेमेंट करता है, बस पूरा टैक्सेबल। लेकिन कुछ उपहार ही देता है जिसका मूल्य लेस देन 5,000 है, 5,000 या इससे कम है तो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन हाँ, 5,000 के ऊपर अगर है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। दूसरा पॉइंट, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को 20,000 रुपये या इससे कम का इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल इंटरेस्ट रेट का लोन प्रोवाइड कराता है, एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन 20,000 रुपये से ज़्यादा का लोन अगर प्रोवाइड कराया जाता है इंटरेस्ट फ्री, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या LIC जितना इंटरेस्ट चार्ज करती है पर ईयर, उतना ही इंटरेस्ट एम्प्लॉई की सैलरी में निकाल के जोड़ दिया जाएगा। अगर कंसेशनल ले रही, जैसे LIC ले रही है 10%, एम्प्लॉई ने दिया 5% पर, तो 5% का इंटरेस्ट एम्प्लॉई की सैलरी में और जोड़ दिया जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉई के बच्चे एम्प्लॉयर के कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं एजुकेशन फैसिलिटी। ये पर चाइल्ड 1,000 रुपीज अगर एम्प्लॉयर एक्सपेंड करता है एम्प्लॉई के बच्चे पर तो एग्जेम्प्ट होता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन की कोई भी लिमिट नहीं है, 3-4-5 बच्चों पर भी वो खर्च कर सकता है। 1,000 रुपये पर ईयर पर चाइल्ड खर्च करता है तो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन 1,000 रुपये के ऊपर अगर 1,001 रुपया खर्च करेगा तो 1,001 रुपया आगे चल करके पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा और एम्प्लॉई की सैलरी के अंदर जोड़ दिया जाएगा। अब भैया मेरी तरफ से इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रह गया है मेरी तरफ से, अब मेरी ही नज़र नहीं गई हो किसी पॉइंट पर तो भले ही छूट गया है, नहीं तो जितने नियम मैंने आपको बता दिए हैं इसके आधार पर अब कोई भी क्वेश्चन हो इनकम फ्रॉम सैलरी का, आपसे ऐसा नहीं हो सकता कि ना लग पाए। सारे के सारे क्वेश्चन आप बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। हमारे ये सारे वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको आसानी के साथ में मिल सकें।